जैसा कि आप जानते हैं, अंबर शान का व्लॉग शायद आप लोग देखते होंगे। उसकी बेटी है ज़ैनब, हम सब की बहुत प्यारी है, शहज़ादी है। तो मैं उसकी वीडियो व्लॉग देखती हूँ अक्सर, जितना देखा जाए, पूरा नहीं देखती। लेकिन मुझे ना, वो रिसेंटली वो डॉक्टर के पास गई है, उसकी कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं उसने। क्या वो कुछ कह रही थी कि उसके सर की हड्डी शायद बढ़ रही है, क्योंकि वो बच्चे का सर काफ़ी बड़ा है और वो उसमें पानी, बचपन से जो पैदाइशी पानी है उसके सर में, तो उसी वजह से उसका सर काफ़ी बड़ा है। तो मैं उसकी मम्मा का व्लॉग देख रही थी, तो वो कह रही थी कि काफ़ी परेशान थी, डिस्टर्ब थी, डॉक्टर से होके आई थी कि डॉक्टरों ने कहा है कि अब हम क्या इसका मतलब ट्रीटमेंट करें या नहीं हो सकता, या पाकिस्तान में क्या या दुनिया में भी, बस आप इसकी खिदमत करें। तो ये उसका, मैं ये व्लॉग देख के मेरी आँखों में आंसू इसलिए आ गए कि ज़ाहिर है मेरे भी बच्चे हैं, तो ज़ैनब भी हमारे सबकी बेटी है, अल्लाह पाक से सेहत दे। तो डॉक्टरों ने यही कहा कि आप लोग खिदमत करें उसकी जितनी हो सकती है, कि इसका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में शायद नहीं है। तो डॉक्टर ने, तो उसकी मम्मा कहती थी कितने सालों से हमें जवाब दिया हुआ है, 10 दिन की मेहमान है ये कहा हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो 5वें साल में लग गई है। उसके लिए बहुत दुआएं हैं, बहुत दुआ करती हूँ। आप मेरा जो लोग देखते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, उस बच्ची के लिए दुआ करें। अगर उसकी मम्मा सुन रही है, उसके साथ ये कहूँगी, उसके इस दुख में हम बराबर के शरीक हैं। तो अल्लाह पाक उसे उस सेहत दे। दुनिया में जितने बीमार लोग हैं उन्हें सबको शफा कामला अता फरमाए। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है जो भी है, तो सुन के भी दिल को उदास हो गया था, दुख भी हुआ, दुआ भी अल्लाह से की जो अल्लाह पाक। मैं भी लोग देख रही थी अम्बरीन ज़ीशान का, बड़ी प्यारी बहन है, बहुत प्यारी माँ है, जिसकी बेटी, प्यारी बेटी ज़ैनब है। आप सब देखते ही होंगे, मेरे जो व्यूवर्स हैं, शायद कुछ लोगों ने फॉलो किया उन्हें। तो ये न्यूज़ सुन के मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्हें एक उम्मीद मिली है, किसी ने एक डॉक्टर का बताया है। तो मैं व्लॉग में देख रही थी, वो उसको वहाँ लेके जा रहे हैं, बहुत सी दुआएं उसके लिए, हर नमाज में वैसे उठते बैठते जब भी वो याद आए, मैं उसके लिए बहुत दुआ करती हूँ। और अल्लाह आप से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी दुआ करें। और उसके माँ बाप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं उसके साथ, अल्लाह पाक उनको भी इसका अजर दे। माँ बाप तो करते ही हैं, लेकिन बच्चों का दुख ना माँ बाप ही समझ सकते हैं, एक माँ एक बाप से ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता, जो 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 माँ। तो भी लोग, मैं यही देख रही थी मैं कि वो उसको लेके जा रहे हैं, तो अल्लाह पाक से बहुत उम्मीद है, अल्लाह पाक उसे सेहत देगा इंशाल्लाह। उसकी मामा को मैंने कमेंट्स में यही कहा है कि टेंशन ना लो, उसकी मामा एक ग्रेट माँ है, माँ होती ग्रेट है। लेकिन ज़ैनब के लिए बहुत दुआ है, आप लोगों से भी दुआ है, क्योंकि हम किसी के लिए दुआ करेंगे तो फिर हमारी दुआ कबूल होगी। दूसरों के लिए भी दुआ करें, हमेशा याद रखा करें दूसरों को दुआ में, क्या पता किस इंसान की कोई किसकी दुआ लग जाए। तो सबसे बहुत दुआ है, रिक्वेस्ट है। तो एक उम्मीद नज़र आई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। डॉक्टरों ने अगर जवाब दिया या कुछ कहा कि आप इसकी खिदमत करें, लेकिन अल्लाह पाक ने जवाब नहीं दिया ना, तो अल्लाह पाक तो सबके साथ है ना। अल्लाह पाक के एक उन से क्या नहीं हो सकता। चले ये ले जी, और बोल अब्दुल्ला, इतनी जब भी जिद करेगा इतनी बोल ले आएगा ना ये अब्दुल्ला। इसकी एक बोल और अब देती हूँ, ये देखिए कितनी बोल होगी, 4 बॉल्स। जब भी जिद करेगा ना, मैंने और बॉल लेनी या घुमा देगा इधर उधर, जब नहीं आ जाएगी फिर अगली वाली भी मिल जाएगी, ऐसे जमा हो गई इसकी बॉल। काउंट करो कितनी है, 1 बैट कहाँ गया, बैट का मुझे नहीं पता कहाँ गया, ढूंढती हूँ मैं। मौसम ख़राब है आजकल, मतलब चेंज हो रहा है, तो हर किसी को लाज काम फ्लू। अब्दुल्ला की भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अभी सिरप दिया है मैंने इसे, फ्लू लगा हुआ है, खांसी कर रहा था रात को, फ्लू तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है इसे।